que se va a tener que tener vida a la cubierta. Nada ni decir mal a papá, y es que para por una talla de la guerra, pues a su salud y papá, yo jamás le saco. अगर आपने जीवन में पुण्य किया होगा तो ही भगवान के भक्तों का पुण्य, जब जब आप पुण्य करेंगे पूर्व संचित पुण्य आकर आपके पुण्य में मिल जाएगा। और आपने अगर पुण्य में पाप किया है और उसको भोगा नहीं है तो जब भी आपके जीवन में दुख आएगा, पाप आएगा, कष्ट आएगा, आपका बुरा समय आएगा, आपके ग्रह गोचर नक्षत्र रुष्ट होंगे, तो आपके द्वारा किया गया वह पूर्व का पाप आकर के आपके वर्तमान के पाप के साथ जुड़ जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु भी थे, नारायण बहुत बड़े साधक थे, इनको उम्र के अंतिम पड़ाव पर कैंसर नाम एक रोग हो गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उस असाध्य बीमारी से लड़ रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। और उस असाध्य बीमारी से लड़ते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस की निकट मैया भगवती साक्षात मेरी जगदम्बा पराम्बा करुणा मई ममता मई माँ एक वृद्ध महिला के स्वरूप में प्रकट हुए दर्शन किया। बोली पुत्र मान तेरी क्या इच्छा है। स्वामी जी ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं ना, मैंने तो तेरी इस काम उपासना की है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मैंने तुम्हारी निष्काम उपासना की है, कोई याचना नहीं की माँ। बोले तू कुछ नहीं पा रहा, न कुछ खा पा रहा, मैं तुझे अपने हाथों से महाप्रसाद खिलाने आया हूँ, तू एक बार अपने मन में सोच ले, मैं तेरे इस व्याधि तेरे इस रोग को नष्ट कर दूंगी। लेकिन धन हो ऐसा साधक, उन्होंने कहा नहीं मां, ये जो मेरे जीवन में यह रोग है, यह व्याधि है, यह मेरा पूर्व का किया गया अपराध है मां, और मुझे इसे भोगना होगा। जब तक हम नहीं भोगेंगे अवश्य मेरे भोगतव्यम कृतत्व कर्म शुभाशुभम न भोगतम चीयते कर्म जन्म मूर्ति सफल है। सैकड़ों नहीं जाने करोड़ों कल्प तक वर्ष तक वह पूर्व का किया गया आप संचित रहता है। जब भी आपके जीवन में दुख आया कष्ट आया, हमारे संजय भैया की धर्म पत्नी को भी ऐसी बीमारी लेकिन धन्य होने का भाग्य था। एक प्रार्थना है आशीष भैया, आपके बगल में आपका भांजा बैठा है, विनती है कि अगर करुण कथा के प्रसंग में अगर मुस्कान को दबाए रखा जाए, उसका एक समय है, पुनः हंस लीजिए जब जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा शुरू हुई है नारायण उसके पूर्व भी, जिस दिन हम यहाँ पर आए हैं उस दिन हमारे संजय भैया
आदिशी को लेकर लखनऊ के बीजे आई से वापस आए हैं। बीच बीच में ज्यादा हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने लाल से प्रार्थना है कि आप इस बीमारी में, आप इस दुख में, आपके घर का अन्न खाते हुए, आपके घर का प्रसाद खाते हुए, मैंने जो भी गायत्री श्रद्धा उपासना जो भी सत्कर्म किया हो, इन सात दिनों में मैं व्यास दिन से नारायण भगवान को साक्षी मानकर उस पुण्य को समर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ परम दयालु प्रभु की उनकी कष्टों का हरण कर, उनके दुख को दूर कर, दुख आए तो भैया लड़ना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में दुख आएगा तब तक हमारे जीवन में सुख आएगा, वह दुख समाप्त ही इसीलिए हो रहा कि आपके जीवन में आगे एक भगवान की कृपा आने वाली है। दर्द को दुख को भोग लेना चाहिए और जब हम उसको भोगते हैं नारायण तो ये एक जन्म का कर्म नहीं है, हो सकता है अगले जन्म में हम पुनः किसी राजा महाराजा किसी राजकुमार की बहन बेटी बनकर जन्म ले और वहां बंदा का साथ बीमारी यह रोग और आराधना छोड़ दे और हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। हमने तो गंगा का तट कर लिया, भगवती गंगा मैया का साक्षी मानकर भागवत कथा भी श्रवण और मनन किया है। मेरा भय तो मिट गया है, आप सबसे भी प्रार्थना है प्यारे भगवान की कथा को आगे रख कर, भगवान की कथा को अपने चित्त में रख कर, अपने उस भय अपने उस दुख को दूर कर दो, भोग डालो प्यारे भगवान निश्चित आज ऐसे ही एक भगवान से विमुख राजा की कथा आई है जो करुण देश था जिसका नाम पौंड्रक था। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक बार उसने अपने एक दूत को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा और कहा कि जाकर के कृष्ण से कह दो कि मेरे भी शीश पर मोर पंख है, मेरे पास भी चक्र है, मेरे पास भी शंख है, मैंने देवी ने वक्षस्थल पर मणि धारण किए हैं, वह झूठा कृष्ण है, असत्य का कृष्ण है, मैं मूल कृष्ण हूँ। आज दूध गया है और दूध की बात को सुनकर कि दूध ने कहा कि अगर तुम आकर के मुझसे लड़ो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मूल कृष्ण और मैं नकली कृष्ण हूँ, असत्य कृष्ण हूँ। आज भगवान ने दूध कहा कि चलो हम आ रहे हैं, आज भगवान नारायण चले इधर पौंड्रक दो अच्छे ने सेना लेकर अपने मित्र काशीराज के साथ जो तीन अक्षरों ने सेना लेकर पहुंचा है काशी से, आज दोनों ने मिलकर भगवान से युद्ध किया है, भगवान को देख के भी भागने लगा लेकिन भगवान ने उन दोनों का प्राणांत किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। साम विवाह की कथा कही, देव ऋषि राम को एक बार कैसे मोह ने जकड़ लिया, एक बार पहले त्रेता युग में कथा है नारायण कि जब विश्वमोहनी के स्वयंवर के निमित्त उनका मोह उत्पन्न हुआ था जो भगवान की माया से अच्छा चेहरा, और आज एक दूसरी बार उनको मोह हुआ। आज एक बार
एक बार कर तर कर पीना, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, 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 श्रीमन् नारायण 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 करते हुए आज उनके मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि चलकर देखें कि भगवान कैसे 16,108 कन्याओं के साथ अर्थात अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे। जो 16,100 कन्याएं मुक्त हुई थी, भगवान उनके साथ कौन सी लीला क्या करें और अष्टपटरानियों के साथ भगवान कैसे साथ रहे। आज आए हैं नारायण, पहले घर में आया तुम्हारी रुक्मिणी के साथ भगवान विराजमान हो गए, आज दासियों के साथ जब वहां भगवान विराजमान है मैया रुक्मिणी है, आज उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद दूसरे देश में गए, वहां अपनी प्रिया और अपने प्रिय उद्धव जी के साथ भगवान विराजमान हो, आज वहां भी भगवान को देखा है। और तीसरी बार जब तीसरे कक्ष में गए तो वहां भगवान बच्चों को दुलार कर रहे हैं, चौथे में गए वहां भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, पांचवी में गए भगवान अपन तर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार परस्पर हास परिहास आलिंगन तप पूजन तपाधन करके भगवान को देखकर देवेश नाथ की बुद्धि चित्रा गई। देखिए नारायण भगवान के भक्त विवेक प्राप्त होता है और एक साधारण मानव को बुद्धि और विवेक में एकमात्र यह अंतर है, बुद्धि आपसे गलत कार्य भी संपादित करवाती है लेकिन विवेक आपसे केवल सुंदर कर्म सत्कर्म सदाचरण करने का मार्ग प्रशस्त करता है। भाग्योदय बहुजन समर्जते पुरुषो आपका पुण्य है और उसी पुण्य के बल पर आपको विवेक और यह सत्संग प्राप्त है। देवर्षि नारद के पास विवेक था लेकिन ये भगवान का माया चित्र है, भगवान की लीला है। आज भगवान इस लीला का किनारा मात्र और यह रसास्वादन हम आप यह चर्चा न कर रहे होते अगर भगवान ने उनको ऐसी प्रेरणा न प्रदान की होती। भगवान ने जो कर्म किए हैं उससे सारे आपको सफलता देने के लिए श्रद्धा सदन करने के लिए। अच्छा कल्पना करिए कि अगर देवर्षि नारद जैसे परम भगवान नौजवान है अभी हम धर्म कर्म करने की उम्र नहीं है। अरे नारायण आपको 60 साल 62 साल के बाद तो सरकार भी निश्चित मान लेती है कि आप हमारे किसी काम के नहीं रहे और 60 साल के बाद आप धर्म करने की बात सोच रहे हैं। नहीं नारायण जरा कल्पना करो आप भूल बैठे हो, आपको माया और अंधकार ने अज्ञान ने जकड़ लिया है कि हमको मानव चिंता मानव तब उच्च कुल भगवान की भक्ति क्यों प्राप्त हुई थी। यह कुल वह कुल ऋषि
समझते हो कि अगर हम धर्म करेंगे तो हमारी रक्षा हो करेगा, हमारी जटाई को साफ हो करेगा, हमारे कुल परिवार हमारे बच्चों की परवरिश कौन करेगा। जब तुम घर करते थे मन मूत्र के बीच में लिपते थे तो वह कौन सी प्रसूति वायु थी जिसके बल पर तुम उस उदर में भी सांस लेकर जी थे। वो कौन सी कृपा थी जो मां भोजन करती थी दुख बहा करती और तुम्हारा प्राण जी हमने प्रार्थना की प्रभु हमको इस मल मूत्र से सने शरीर से बाहर करो। मैं आपको वचन देता हूं नाथ कि जब मेरा जन्म होगा तो मैं मेरे धर्म करूंगा, परमार्थ करूंगा, पुण्य करूंगा, आप आदर्श करूंगा। जैसे जन्म लिए जब तक हम उस उदर में थे हम शांत थे, स्थिर थे, हम तपश्चर्या में रत थे, स्मरण करते थे भगवान को। लेकिन जैसे ही इस माया में भी संसार में हमारा जन्म हुआ, जन्म लेते ही हम रुदन करने लगे, रोने लगे कि प्रभु हम कहाँ आ गए। आपके मुख में दांत रहे तो कौन सा परम पिता था, वो कौन सा भगवान, कौन सा पिता था नारायण, जो जन्म के पूर्व आपके मां के स्तनों में दूध नहीं था और आपके जन्म लेते ही दुख की धार उस मां के स्तनों में भास करने लगी। अगर भगवान क्षीर सागर के स्वामी न होते प्यारे उस माँ के स्तनों में दुग्ध की धार कभी नहीं पहुंचती। पशुपक्षी सभी माताओं के स्तनों में वह दुग्ध का प्रवाह कौन करता है भगवान। सच हमारा संतान है, अंश है, फिर हम हो गए सारे संसार हमारे का रस प्राप्त करके बिना दांत के हमारे प्राण की रक्षा से भगवान ने, और जैसे ही दांतों को भगवान ने हमारे जीवन में दिया, हमारे मुख में दिया, भगवान ने नाना प्रकार के वनस्पति साधन भोज पदार्थ जो प्रकृति प्रदत्त है हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिए। खाते रहे बड़े हुए, इतना खाए इतना खाए कि सुगर हो गया, असाध्य बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास भागने लगे, फिर भी स्मरण नहीं आया। भगवान ने सोचा कि यह भूल बैठा है। भगवान ने ऐसी जादू चलाई नारायण कि वही हड्डी का दांत आपका सारा छोड़ दिया, और एक एक करके भगवान ने आपके सारे दांतों को छीन लिया जिन भगवान ने आपको प्रदान किया था। तभी नहीं समझे, और जब अंत समय आया तो भजन करने से नहीं भी आया। अगर पुण्य रूपी जल हमको किसी गड्ढे में अपने शरीर अपने जीवन में धरना है तो हम पूर्व से प्रारंभ से शुरू से उस गड्ढे की खुदाई करनी जिससे हम पुण्य भर कर इस लोक के सुख को भोग कर परमार्थ कर ले। अभी मत सोचिएगा कि अगर आप मानव बनाए गए हैं तो केवल अपने परिवार के लिए नहीं प्यारे, आपके देश आपके समाज के प्रति बहुत बड़ा दायित्व है। केवल आप भूल बैठे सुभाष चंद्र बोस, अगर भगत सिंह ने आज अपने परिवार की ओर दृष्टि डाली होती तो नारायण आज उनकी जयंती कभी न मनाते।
आज त्याग करके अपने उस शरीर का त्याग करके हमको शिक्षा दी है कि देश पर जो मर मिटता है, जो समाज पर मिटता है, उसका नाम अमित हो जाता है। प्यारे कभी मिटता नहीं, इसलिए भगवान के भक्तों कथा तो होती रहे, कुछ प्राप्त करो जीवन में, लोक कल्याण के निमित्त कोई न कोई ऐसा संकल्प हो जिससे मानव का कल्याण हो। ये प्रयागराज की धरती पर बड़े हनुमान जी के निकट परमादरणीय विष्णु मिश्रा जी के नेतृत्व में अभी पिछले वर्ष गुरु नानक जयंती के दिवस से भैया जी के द्वारा नाम से एक यज्ञ का आरंभ किया गया है। पचास लोगों ने हिस्सा लिया और आज उसी नाम के संग कि धर्मशाला जो है वहां पर नीचे बड़े हनुमान जी के गेट के ठीक सामने वहां पर अनवरत 500-1000 लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है। गरीब असाध लूढ़े लूढ़े जिनका कोई नहीं है वहां भोजन जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि किसी के मुख में
भगवान से फैल रहे हैं और आशीष पा रहे हैं जो भगवान से श्रेष्ठ था। आज उसने कहा कि बड़े बड़े राजाओं योग्य राजा से तुम्हारे क्यों नहीं योग्य होते यह कमाना तिक्रम्य गोपाल कुलपासन यथाकाशन शिशुपाल और दंतरोक्त के वध के लिए भी हुआ था।
ये चैन और बीचे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल तंत्र के रूप में इनको तीन योनि के लिए राक्षस योनि प्राप्त हुई थी शमशान ऋषियों के साथ से। और आज भगवान ने जैसे ही गोद में लिया और उसके दो हाथ एक नेत्र डाले हुए बुआ रोने लगी, बोली कृष्ण तुम मेरे बालक का वध करोगे, मैं तुम्हारी बुआ हूं, तुम मेरे भतीजी हो। भगवान ने उनको वचन दिया कि हे बुआ सर, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस सौ अपराध को क्षमा दान करूंगा, लेकिन स्मरण रहे बुआ सौ अपराध के बाद मैं इसको क्षमा दान कभी भी नहीं करूंगा। आज गाली देते हुए अपमानित करते हुए जैसे ही नारायण उसने वह मर्यादा लांघी, आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आवाहित किया है और आवाहित करके उस सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन धराधाम पर उतार दी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शीश उतारा चक्र से धरन गिरा शिशुपाल, ज्योति समाई कृष्ण ने गगन गई तत्काल। उसके शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण के मुख मंडल में समा गई और वह पर्वत तत्व में विलीन हो गई। ऐसे है मेरे भगवान नारायण, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया लूट जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया लूट जाए, कहीं तुम न रूठ जाना, मेरी जिंदगी के बाद कहीं तुम न रूठ जाना, मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया।
तुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बदला दी, तेरी याद ने बदला दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी याद ने बदला दी मेरी जिंदगी फसाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे नाच आ गया, मुझे नाच आ गया तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे नाच आ गया तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे नाच आ गया और ना सताना। मेरी मुरली वाले दोनों हाथों को उठा के प्यारे मुझे नाच आ गया तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे नाच आ गया आप जाओ करके कोई बहाना। मेरी जिंदगी अब और ना सताना। मेरी जिंदगी के मालिक मुझे रास आ गया है तेरे सर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरे रास आ गया है तेरे दर पे सर आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे ना आ गया तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे ना आ गया जय 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 ज
जय माता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की।